कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF रॉकिंग स्टार यश की साल 2018 में रिलीज हुई साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म का भार लगभग पूरी तरह से एक्टर यश के कंधों पर था। बतौर एक्टर यश में वो शिद्दत है जो रॉकी की भूमिका को निभाने के लिए चाहिए थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और फिल्म को हिट बनाया। फिल्म की कहानी और यश का अभिनय लोगों को इतना पसंद आया कि जब से ही लोग इस फिल्म के दूसरे पार्ट की मांग करने लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका इंतजार अब खत्म हो गया है? खबरों के मुताबिक इस फिल्म का पार्ट 2 KGF चैप्टर 2 हमें जल्द ही मिलने वाला है, जिसमें यश हमें धांसू अवतार में नजर आने वाले हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको KGF चैप्टर 2 के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और यह फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी इन सभी फिल्म से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही इस फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। KGF चैप्टर 1 को देश भर में काफी पसंद किया गया था और तभी से फैंस दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर अब लोगों का इंतजार खत्म हो गया है और एक बार फिर रॉकी भाई बने यश पर्दे पर दोबारा इतिहास रचने आ रहे हैं। पर इस बार वे अकेले नहीं, उनके अपोजिट श्रीनिधि शेट्टी होंगी। वही खूंखार विलेन आधीरा बनते हुए संजय दत्त नजर आने वाले हैं। संजय दत्त के साथ साथ फिल्म में रवीना टंडन भी पॉलिटिशियन विलेन रमिका सेन के किरदार निभा रही हैं। फिल्म के कई पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं, जिसमें पहले पोस्ट में यश राइट हैंड में गन पकड़े हुए नजर आ रही हैं और बैकग्राउंड ब्लड रेड है। पोस्टर पर मैं आई कम इन लिखा हुआ है। वहीं दूसरे में संजय दत्त का विलेन वाला खूंखार रूप दिख रहा है। बात करें फिल्म की कहानी की तो चैप्टर 2 की कहानी चैप्टर 1 के आगे की कहानी है। गरुड़ा को मारने के बाद आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है, यह सब चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। पर खबरों के अनुसार इस फिल्म में मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच होने वाली है। अधीरा गरुड़ा का चाचा है, जिसे सोने की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी, मतलब वो अपनी माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी लड़ाई उस खान को लेकर है, इसलिए KGF 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे, साथ में कई और खिलाड़ी होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा अधीरा की है, जो काफी डेंजरस लग रहा है, जिसके बारे में संजय ने बताया कि उनका ये किरदार एवेंजर्स एंड गेम के सुपर विलेन थैनोस जैसा होने वाला है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। अब अंत में बात करें फिल्म की रिलीजिंग डेट की तो फिल्म की शूटिंग अपने लास्ट स्टेज पर है, जो कोरोना वायरस के चलते रुक गई थी, पर कल से शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। लेकिन संजय दत्त सेट पर नहीं है, उनकी केवल 3 दिन का शूट ही बचा है, जो उनके 3 महीने के कैंसर ट्रीटमेंट के बाद शूट किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि फिल्म साल 2020 में अक्टूबर के लास्ट तक रिलीज ही हो पाएगी। वैसे ये फिल्म कभी भी रिलीज हो, सभी जानते हैं ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों, क्या आप भी संजय दत्त और यश को फिल्म में एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड की मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।